क्या आप लोगों को भी डॉक्टर ने सीरम केराटिन का टेस्ट लिख के दिया है? आपको पता नहीं लग रहा है कि ये टेस्ट आपको क्यों कराना है? तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट के बारे में। सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट क्या है, क्रिएटिनिन क्या होता है, और इसका हमारे शरीर में जो नॉर्मल वैल्यूज़ रहती हैं वो कितनी रहती हैं, ये टेस्ट हमको क्यों कराना चाहिए, कौन कौन से वेज में इस टेस्ट को हम करा सकते हैं, टेस्ट के लिए हमको कैसे जाना है, और टेस्ट की कीमत क्या रहने वाली है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। तो आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए सीरम क्रिएटिनिन क्या है। सो क्रिएटिनिन टेस्ट जो है, सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिनिन टेस्ट होता क्या है। तो क्रिएटिनिन टेस्ट देखिए क्यों कराते हैं, ताकि आपकी जो किडनी की फंक्शंस हैं वो नॉर्मल है या नहीं, आपका किडनी बराबर तरीके से काम कर रहा है या नहीं, किडनी की गुणवत्ता को जानने के लिए इस टेस्ट को कराया जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि क्रिएटिनिन है क्या। तो देखिए ये एक वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारी बॉडी से निकलता है जब मसल का मेटाबॉलिज्म होता है। सरल भाषा में आपको बताता हूँ, ये एक वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारी बॉडी इसको बाहर निकालती है जबकि मसल मेटाबॉलिज्म होता है। तो किडनी जो है फिल्टर करके इस वेस्ट को मूत्र के मार्ग से, यूरिन के मार्ग से बाहर निकालती है। लेकिन जिन लोगों को किडनी की कोई समस्या रहती है, उन लोगों में किडनी जो है इस चीज़ को बाहर नहीं निकाल पाती। तो किडनी डिजीज़ पेशेंट्स को क्या होता है, क्रिएटिन की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर किडनी बराबर काम नहीं कर रही है और इस वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पा रही है, इसलिए उनमें क्रिएटिन की मात्रा जो है वो ज़्यादा दिखती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल क्रिएटिनिन वैल्यूज़ कितनी होती हैं। तो देखिए एक अडल्ट आदमी में जो नॉर्मल क्रिएटिन की वैल्यू होती है वो होती है 0.7 से लेकर 1.3, मतलब 0.7 से लेकर 1.3 mg पर डेसीलीटर, ये होता है नॉर्मल वैल्यू मेल्स में। और मेल्स में ये वैल्यू जो है महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पुरुषों में महिलाओं से ज़्यादा मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, इस वजह से इस वैल्यू को ज़्यादा रखा जाता है। और महिलाओं में यह वैल्यू है 0.6 to 1.1 mg पर डेसीलीटर। तो ये महिलाओं में है 0.6 से लेकर 1.1 mg पर डेसीलीटर। और बच्चों में इसकी जो वैल्यू होती है नॉर्मल, वो है 0.5 से लेकर 1.0 mg पर डेसीलीटर, ये होता है नॉर्मल वैल्यूज बच्चों में। तो ये देखिए वैल्यूज जो हैं लैब टू लैब वेरी करती है, क्योंकि अलग अलग मेथड से इस टेस्ट को जब किया जाता है तो वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मल वैल्यूज जो है इसी के आसपास ही रहती हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये टेस्ट आपको क्यों करवाना चाहिए। तो देखिए किन लोगों को करवाना चाहिए। तो देखिए जिन लोगों को मधुमेह है, डायबिटीज़ की समस्या है, उन लोगों को ये टेस्ट कराते रहना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ में लॉन्ग टर्म में क्या होता है, किडनी की समस्याएं चालू हो जाती हैं, इसलिए उनको ये टेस्ट कराना चाहिए। जिन लोगों को पहले से ही किडनी की समस्या है, तो किडनी फंक्शन बराबर है या नहीं है वो जानने के लिए बीच बीच में उनको ये टेस्ट कराते रहना चाहिए। और जो लोग डेली कोई ना कोई टैबलेट खाते हैं, रेगुलर मेडिकेशंस पे हैं, उन लोगों को ये टेस्ट कराते रहना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन जो हैं किडनी पे असर डालती हैं। जिन लोगों को बहुत गंभीर क्रॉनिक इलनेस है, जो पेशेंट बेड रिडन पेशेंट है या फिर बहुत क्रॉनिक किसी बीमारी से जूझ रहा है, और जिन लोगों को बीपी की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन लोगों को ये टेस्ट कराने की ज़रूरत है, देखने के लिए कि किडनी फंक्शंस बराबर है कि नहीं है, या फिर आपको कुछ लक्षण दिख रहे हैं या फिर आपके डॉक्टर को कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो वो टेस्ट कराते हैं। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट होना, आपके आँखों के नीचे एकदम सूजन आ जाना, आपके पाँव में सूजन आ जाना, आपके एंकल्स में सूजन आ जाना, या फिर आपका जो भूख है एकदम से जब कम हो जाता है, या फिर आप जब पेशाब करते हैं आपको एकदम
दर्द उठता है पेशाब करने वाली जगह में, या फिर आपका जो यूरिन है वो फोमी होता है, या फिर यूरिन से जब ब्लड आ रहा होता है तब इस टेस्ट को डॉक्टर करवाने के लिए बोलते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस टेस्ट को कौन कौन से मेथड से किया जा सकता है। तो देखिए, इस टेस्ट के लिए आपके खून से भी ये परीक्षा हो सकती है, खून आप जब देते हैं तो उससे भी इसका जांच किया जाता है, फिर जब आपका मूत्र है मूत्र के मार्ग से भी इस सीरम क्रिएटिन टेस्ट को किया जाता है। लेकिन जब मूत्र के मार्ग से करते हैं तो 24 घंटे के लिए आपका जो मूत्र है उसको कलेक्ट करना ज़रूरी है, तभी जाके बराबर तरीके की जो सीरम क्रिएटिन वैल्यू है वो हमको पता चलती है, नहीं तो थोड़ा उल्टा सीधा रिजल्ट आ जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि ये टेस्ट अगर आप कराने जा रहे हैं तो आप लोगों को क्या क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो देखिए, ये अगर आप टेस्ट कराने जा रहे हैं तो टेस्ट कराने से 24 घंटे पहले तक आप लोगों को मीट, कुक्ड मीट नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप कुक्ड मीट खा के जाते हैं तो सीरम क्रिएटिन की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस टेस्ट की कीमत कितनी है। तो देखिए, ये टेस्ट मार्केट में जनरली 300 से 500 के बीच में हो जाता है, फिर अलग अलग लैब के हिसाब से थोड़ा सा रेट ज़्यादा कम हो सकता है। तो आशा करता हूँ सीरम क्रिएटिनिन के बारे में जितनी जानकारी आपको इस वीडियो में मैंने बताई है आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरीके के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन लोगों को किडनी की समस्या है या फिर सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट बार बार करा रहे हैं उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।